एक बात अच्छी हो गई थी कि एक चैप्टर तो क्लोज हो गया। कैसा चैप्टर? अरे दी, पहले मेरी बात तो सुनो। ये जो भी कुछ हुआ ना, मेरे को तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। नहीं मतलब मेरे हिसाब से शर्लिन, पृथ्वी और मायरा ये एक ही टीम के खिलाड़ी थे, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पृथ्वी को मायरा का पर्दाफाश क्यों करना था। कहीं उसको ऐसा तो नहीं लगा कि शर्लिन की आज जो हालत हुई है वो मायरा की वजह से? इसलिए देखो दी, सब जानते हैं पृथ्वी की जान शर्लिन और शर्लिन की सबसे अच्छी दोस्त मायरा, और उसके बावजूद भी उसने ये सब कर दिया। मतलब कमाल। अरे हमारे लिए तो अच्छा ही हो गया ना, हमें क्या वो मायरा जाए। कितना कुछ गलत किया उसने आपके साथ दी। हमेशा जीजू पे आप डोरे डालने की कोशिश करती थी, आपका हक छीनने की कोशिश करती थी, कुंडली मार के बैठी थी वो लूथरा परिवार पे। अच्छा हुआ वो चली गई, घर से पनौती गई, जिंदगी से भी, लूथरा परिवार से भी। बहुत अच्छा हुआ भगवान जी, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट अभी हम उस काम पे फोकस कर सकते हैं जो हमने सबसे पहले शुरू किया था। कौन सा काम? अरे क्या बात करती होती, आप भूल गए क्या? ये मायरा तो अभी अभी आई थी, इससे पहले ये बागड़ बिल्ला पृथ्वी कुंडली मार के हमारी जिंदगी में बैठा था। मैं बता रही हूँ दी, हमें सबसे पहले ये शर्लिन और पृथ्वी का राज सबके सामने लाना है। अगर इसकी शादी कृतिका के साथ हो गई ना, तो कृतिका की लाइफ तो बर्बाद है, और कृतिका की लाइफ बर्बाद मतलब पूरे लूथरा परिवार की लाइफ बर्बाद। यार क्या गेम खेला है इस बंदे ने, मतलब मानना पड़ेगा। अब तक जो बंदा लूथरा परिवार का दुश्मन बना बैठा था, आज वो उन्हीं की नजर में दोस्त बन गया। यार मैं कब से बोले जा रही हूँ, आप कुछ भी नहीं बोल रहे, आप कुछ तो बोलो यार। तुम्हें तो एक ही बात बोली जा रही है, अब क्या बोल। कितनी बार ट्राई कर चुके पृथ्वी और शर्लिन का पर्दाफाश करने की, उनकी सच्चाई सबके सामने लाने की, लेकिन हमसे कुछ हो पाता है क्या? मैं अपने आप को हेल्पलेस या कमजोर नहीं दिखाना चाहती, लेकिन मैं इस वक्त सच्चाई की बात कर रही हूँ। वो लोग बहुत ही शातिर हैं, हमारे लेवल से काफी ऊपर है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। हर बार हम ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो बात अपने पे आ जाती है, परिवार में सबका दिल दुखता है। अब मैंने सोच लिया है, मैं किसी भी इंसान के पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ, मैं ये सब कुछ अब भगवान पर छोड़ दूंगी। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हो जी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तू भी ये सब सोचना बंद कर दे। रियली? ये आप कह रहे हो दी? हाँ मैं कह रही हूँ, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मैं देख रही हूँ, तू नहीं देख रही है। तूने नहीं देखा कि आज राखी माँ की क्या हालत थी, बच्चे के रूम में खड़ी होकर वो कितना रोई है, फिर उनको अपने कमरे में मैं लेकर आई तो वहां पर वो कितना रोई। वो टूट चुकी हैं, अंदर से बिखर चुकी हैं, और उस हालत में उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात की कि अब शायद पृथ्वी और कृतिका की शादी उनके लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगी, और मैं जाकर उनको कह दूं कि ये शादी नहीं हो सकती। अरे मुझे मेरा परिवार भी तो देखना है, वो इतना टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इतना बड़ा घर में हादसा हो गया, उसके ऊपर मैं अब इतना बड़ा मैटर लाकर खोल दूं कि ये शादी भी नहीं हो सकती, और कौन सुनेगा मेरी बात? कृतिका सुनेगी? पिछली बार जब कृतिका को सच बताने की कोशिश की थी तो उसने क्या कहा था? धमकी दी थी ऋषभ जी और करण को कि वो कुछ कर बैठे। अब फिर मैं ऐसा कुछ कर दूं, ऊपर से कृतिका कुछ गलत ना कर दे, सब लोग पहले ही इतना उदास हैं, उस पे सब कुछ और बिगड़ जाए। मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ इस बारे में, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। अब तू सब कुछ किस्मत पर छोड़ दे सृष्टि। वाओ, मतलब आप अपने बड़े बड़े दुश्मनों को किस्मत के हाल पे छोड़ दोगे? हाँ सृष्टि, क्योंकि यहाँ बात दुश्मनों की नहीं, मेरे अपनों की है, प्रायोरिटीज की है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, मेरे दुश्मन क्या, मेरे अपने जो इस वक्त रो रहे हैं, टूटे पड़े, बिखरे पड़े हैं, मैं उसके ऊपर उनको और दुख दे दूं? नहीं, इस वक्त मुझे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, उनकी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करना है, मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी का भी दिल ज्यादा दुखे। ट्राई तो पहले भी कर चुके हैं ना, कितनी बार कर चुके हैं, कुछ हाथ में नहीं आया, और इस वक्त वो हालात ही नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात उनके सामने उठाऊं भी, तो तू चुप हो जा। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैंने ये बात ऊपर वाले पर छोड़ दी है, जो उन्हें ठीक लगेगा वो करेंगे। समीर आ गया दवाई लेके? नहीं डैड, वो मेडिकल पे गया था, वहां पे दवाई मिली नहीं तो कहीं और गया लेने के लिए। विल जस्ट टेक 15-20 मिनट्स टू कम। माफी जी,
मुझे पता कान महसूस हो रही है, मैं अपने कमरे में जाऊँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मामी जी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं ले जाती हूँ, आप बैठिए ठीक है। आशा दादी आपको कार्ड देखना था। ये सर लो तुम्हारा कार्ड। और सज्जना आप लोगों को आना जरूरी है, बिल्कुल कोई बहाना नहीं बनाना है, हम सब एक ही परिवार हैं, बेटियां तो दो घरों को एक करती हैं, तो आप लोगों को हमारी खुशी में जरूर शामिल होना है, प्लीज आना। जानकी चुपचाप क्यों खड़ी हो? बहन जी क्या बोलूं, हम तो शर्लिन का हालचाल पूछने आए थे और राखी जी से मिलने आए थे, पर यहाँ आके देखा तो कुछ चंगा ही हुआ, आपके घर से ना एक दुश्मन आपके घर के बाहर निकल गया, अब आपकी बहुओं को कोई आंच नहीं आएगी। खासतौर साड़ी प्रीता, इसके तो पीछे हाथ धो के पड़ गई थी, अब ना साड़ी प्रीता चैन से रहेगी आपके घर में। लेकिन एक बात का डर। जानकी आंटी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, वो दादी वो ये कहना चाहती है कि जब हम इस घर में आए थे तो डरे सहमे से थे, अपसेट थे, लेकिन अब जब पता चल गया है कि जिसकी वजह से ये पूरा घर अपसेट था वो इंसान ही इस घर से बाहर चला गया, तो हम खुश हैं और भी खुशियाँ आने वाली है इस घर में, पृथ्वी जी और कृतिका की शादी। तो जानकी आंटी का कहने का मतलब यह है कि अब डरने की तो कोई बात ही नहीं है, बस आप लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है, तो हम सारे खुश हैं। सही कह रही हो, तो जब दुख में साथ दिया तो खुशियों में साथ तो देना ही चाहिए ना। मेरा दवा का टाइम हो गया है, मैं चलता हूं। अगर कृतिका और पृथ्वी की शादी इस घर में खुशियां देती हैं, तो ये शादी हम कल ही करेंगे। और फिर कृतिका को कितना अच्छा लड़का मिला है, अरे शादी से पहले हमारा बेटा बन गया है, सबका साथ देता है, कितना ख्याल रखता है। कृतिका बहुत किस्मत वाली है, उसे इतना अच्छा लड़का मिला है। चलिए मैं निकलती हूँ, शादी पर जरूर आ जाऊंगी। मुझे पता था तू यहीं मिलेगा। यहाँ क्या बैठा हुआ? क्या हुआ, क्या सोच रहा? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस। पता ना? नहीं कुछ नहीं। पता ना यार, कुछ तो सोच रहा होगा ना अकेले बैठ के। क्या हुआ? अपने आप से छुपा सकता हूँ लेकिन तुझसे नहीं छुपा सकता। मेरे दिल की बात तो सुनेगा ना तो तेरे को झटका लगेगा। समझा नहीं? तुम तो बुरा इंसान हो क्या? तू क्यों बोल रहा है ऐसा? किसने कुछ बोला तुझे? हाँ और तू रो क्यों रहा है? हुआ क्या? इस बाप का बच्चा मर जाता है ना, उस बाप के लिए उससे ज्यादा दुख की बात और कोई होती नहीं है। करण देखा है मैंने, मुझे पता, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। मैं आंसू आ रहे लेकिन मुझे अंदर से फील नहीं, अंदर से मर नहीं रहा हूं मैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है करण, मैं सच बोल रहा हूँ। बुरा लग रहा है मुझे शर्लिन के लिए, बुरा लग रहा है बच्चे की जान चली गई, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे बच्चे की जान चली गई। मुझे ये बुरा लग रहा है कि कल को अगर मैं बाप बनूंगा तो शायद मैं उतना अच्छा बेहतर बाप नहीं बन पाऊंगा जितना मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस फीलिंग में मैं तुझे समझा नहीं पा रहा हूँ। अजीब सा लग रहा है यार। देख मैं कोई इतना मैच्योर नहीं हूँ कि तुझे कोई एडवाइस दूँ या तुझसे कुछ कह सकूँ, बस ये कहूँगा कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट गिव इट सम टाइम। डैड, अरे डैड आप क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो?
सबको सुन लिया मैंने। नहीं, वो हम तो वैसे ही जब सोच रहे ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, गलत सोच रहा है तू बेटा। ये संसार है, दुनिया है, यहाँ पे एक दिन में किसी से अटैचमेंट नहीं हो जाता है, वक्त लगता है बेटा, ये सबके साथ होता है। तेरा बाप तो सही बात कह रहा है, ऐसे नहीं कह रहा। सच में डैड? हाँ, ये बात तब इसलिए कह रहे हो ना ताकि मुझे बुरा ना लगे। नहीं मेरे बच्चे, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेरा बाप भी उन्हीं लोगों में से है। हाँ देखना, मुझे तुझे पता है, जब तू पैदा हुआ था तो सच कहूँ तो मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। पहली बार तुझे लेकर फीलिंग तब आई जब राखी जी ने तुझे मेरी गोद में दिया, और वो दिन है और आज का दिन है। तो लगाव का पैमाना देख ले बेटा, तेरे बगैर जीना मुश्किल हो गया, तेरे बगैर रह नहीं पाता हूं। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं तुझे, इसलिए तुझे किसी भी गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन पाप होगा, ये मेरा यकीन है। थैंक यू डैड, आपको पता है अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर कोई कमी है, मैं गलत इंसान बन गया हूं। आपने मेरा गिल्ट निकाल दिया है यार। तुमने प्रूव कर दिया कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। जान भी दे सकता हूं, किसी की जान भी ले सकते हो। खुश? बहुत खुश। वैसे बेबी, मेरे पास तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। आज तुमने वो कर दिया जो तुमसे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। सही वक्त पे सही बात बोल दी तुमने। वो कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना होता है। क्या चौका मारा है तुमने सबके सामने? तुमने सबके सामने क्या कहा? तुमने ये कहा कि जो इंसान दूसरों की खुशियां बचाता है वो भी तो खुशियों का हकदार होता है। उस इंसान को उसकी खुशियों से दूर नहीं रखना चाहिए। और उस इंसान की खुशियां किसमें? अपने प्यार में, जो है इस घर की बेटी कृतिका। तो उस इंसान की शादी जल्द से जल्द इस घर की बेटी कृतिका से करवा देनी चाहिए। ये तो तुमसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था बेबी। माइंड ब्लोइंग। क्योंकि मैं समझ गई हूँ, चाहे मैं किसी के भी साथ रहूँ, चाहे तुम किसी के भी साथ रहो, लेकिन हमारे दिल तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर। कोई शक? शोलिन, तुम किसी से बात कर रही थी क्या? अपने प्यार से। शोलिन अब तक अपने बच्चे को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसे शायद अब भी यकीन नहीं हो रहा कि इसका बच्चा कभी नहीं आएगा। अब भी उससे बातें कर रही है। अपने प्यार से बात कर रही थी। एक बात कहूं शर्लिन, तुम्हारा जो ये प्यार है ना, उससे हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ है ना शर्लिन, जो हादसा हुआ है वो एक औरत के बर्दाश्त के कहीं ज्यादा आगे था, बहुत ज्यादा। मुझे पता है तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा, और तुमने जो खोया है शर्लिन, वो वापस तो नहीं आएगा ना। ऐसा होता है शोलिन, कभी कभी जिंदगी में हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वो नहीं होता, उससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। और जरूरी नहीं कि वो हमेशा अच्छा हो। खैर, जो बीत गया सो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा शोलिन। लेकिन मेरी बात सुनो, आई प्रॉमिस यू एंड आई विश कि वही खुशी तुम्हारे पास दोबारा किसी और रूप में,
किसी और समय में पक्का वापस आएगी। आई प्रॉमिस एंड आई विल प्रे और ये होगा। थैंक्स। एनीवे, मैं सिर्फ तुम्हें पानी देने आई थी, किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? अभी बस तुम आराम करो। सही कहा तुमने कृतिका, सच्चा प्यार किसी ना किसी रूप में वापस आ ही जाता है, और मेरा सच्चा प्यार है पृथ्वी, जो तुम्हारे जरिए इस घर में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर वो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आके तुमसे प्यार करने लग गया तो तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाओगी, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राखी मां, मैं जानती हूं कि ये दुख बहुत बड़ा है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, हर दुख के बाद सुख आता है। प्रीता, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छी सास नहीं बन सकी। ये आप क्या कह रही हैं राखी माँ? आपको पता है आप कितनी अच्छी हैं? आपको पता भी नहीं है कि आप हमारे लिए क्या हैं? आप हमारी सास नहीं हैं, आप माँ हैं। सिर्फ अपने बच्चों की नहीं, आप अपनी बहुओं की भी माँ हैं। किसी को घर में जरा सी खरोच भी आती है तो सबसे ज्यादा दुख आपको होता है। आपको पता है आपकी वजह से इस घर में कितना प्यार है। नहीं, मेरे से जरूर कोई तो गलती हुई है, जरूर कुछ तो कमी रह गई मुझसे। शायद मैंने ही शरण का ध्यान ठीक से नहीं रखा, उसकी प्रेगनेंसी का सामना मेरा चल रहा था, और ये सब कुछ हो गया। शायद अगर मैं उसका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखती तो हमें ये दुख नहीं झेलना पड़ता था। आहिरा आज अगर इस घर में है तो किस लिए? मेरी वजह से? किस नाते रह रही है वो इस घर में? मेरी ही सहेली की बेटी के दर्जे से रह रही है। शायद अगर नहीं रहने दिया होता, आज हमें ये सब नहीं देखना होता। मेरी गलती। राखी माँ, प्लीज प्लीज आप ऐसे मत सोचिए। आप ऐसे सोचेंगी तो आपको और बुरा लगेगा। आपकी कोई गलती नहीं है, आपका बस सब। रीता, तुझे क्या लगता है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा इतने समय से लेकर जो हमारे घर में हो रहा है, क्या मुझे कुछ नहीं दिख रहा? मैं जानती हूँ माहिरा तेरी जिंदगी में जहर घोल रही थी, वो करण और तेरे रिश्ते के बीच में जहर घोल रही थी, वो लूथरा परिवार में जहर घोल रही थी, वो लूथरा परिवार जो हमेशा एक साथ खड़ा होता था, उस लड़की ने आज हमारे परिवार में फूट डाल दी। हर एक सदस्यों को दूसरे से अलग करके छोड़ा उसने। क्यों? क्योंकि मैंने उसे यहाँ रहने की इजाजत दी। और मैं जानती हूँ माहिरा यहाँ एक ही मकसद से रह रही थी, और वो है करण को हासिल करना। और जब वो करण को हासिल नहीं कर पाई तो उसने लूथरा परिवार से बदला लेना शुरू कर दिया। हर एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर कर दिया। और माहिरा ये सब कैसे कर पाई? इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने उसे इजाजत दी थी इस घर में रहने की। बीच में मैंने उसे कहा भी था कि चली जाओ इस घर से, लेकिन उसने जिद पकड़ ली थी। वो यहां से जाएगी जब उसकी पढ़ाई खत्म होगी तब। ये जो कुछ भी हो रहा है ना प्रीता, उसके पीछे की वजह मैं हूं, क्योंकि मेरे हाथों से गलतियां हुई, मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। राखी माँ, प्लीज प्लीज आप ऐसे मत कहिए। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की लेकिन करण और मेरे बीच आ तो नहीं सकी ना। आप प्लीज अपने आप को किसी भी वजह से दोष मत दीजिए। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। कई बार ऐसा कोई वक्त आ जाता है कि इंसान को लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। एक वक्त था कि
सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता रहता था। एक एक दिन एक साल की तरह लगता था। ऐसे लगता था कि मैंने क्या गलत किया है जो मेरे साथ कुछ भी सही नहीं होता है। लेकिन दुनिया मुझे ऐसे नहीं देखती थी। वो सोचती थी कि प्रीता बड़ी हिम्मत वाली है, इतना कुछ हो गया उसकी जिंदगी के साथ तो भी देखो कितनी हिम्मत से सब चीजों का सामना करती है। लेकिन मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मैं अंदर से एकदम टूटी हुई थी। तब मुझे माँ ने कहा कि ये वक्त भी चला जाएगा, दुख का वक्त ठहरता नहीं है, वक्त कोई भी ठहरता नहीं है। अगर बहुत अंधेरा भी हो तो उसे भी बस एक छोटी सी उजाले की किरण मिटा सकती है। शायद तू सही बोल रही है, उजाले की एक छोटी सी किरण काफी होती है अंधेरे को दूर करने के लिए। शायद कृतिका की शादी जिससे इस घर का अंधेरा दूर हो जाएगा। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कृतिका और पृथ्वी की शादी सुख से हो जाए, कोई अड़चन ना आए उनकी शादी में। सब अच्छा होगा मामी, सब अच्छा होगा।